संभल के चंदौसी में मुख्यमंत्री की जनसभा से पहले बीजेपी नेत्री, दर्जा राज्य मंत्री और दलित साध्वी को गुस्सा आया। यही नहीं, उनकी आंखों में आंसू भी छलके। साध्वी ने स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे दलित हैं, इसलिए उन्हें मंच पर नहीं बुलाया गया। दरअसल सीएम की सभा से पहले दर्जा मंत्री और एससी एसटी आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान को गुस्सा आ गया, क्योंकि उनको मंच पर नहीं बुलाया गया। वहीं साध्वी गीता प्रधान का आरोप है कि मंच पर जगह थी, वे दर्जा मंत्री हैं, सीएम ने उन्हें दो बार दर्जा मंत्री बनाया है, पार्टी में वे लगातार काम कर रही हैं, लेकिन स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों ने उन्हें मंच पर नहीं बैठाया। ये मेरा कार्य क्षेत्र है, मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि हूँ वर्तमान में। 3 साल योगी जी की सरकार ने प्रसन्न होकर मुझे उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा राज्य मंत्री बनाया और मैंने जब बहुत अच्छा काम किया तो पुनः मुझे बनाने का काम किया। आज क्या हुआ जो आपकी आंखों में आंसू आए? मेरा कार्य क्षेत्र जनसभा, मेरा राइट बनता है, मैं मंच पे रहूं। मंच में जान पूछ कर यहाँ के पदाधिकारियों ने मेरा नाम नहीं डाला, जैसे और मुझसे ये कह रहा है कि जाइए मंच से नीचे जाइए, आपका नाम लिस्ट में नहीं है, ये मेरे दलित समाज का अपमान है। सबसे पहले मैं साध्वी हूँ, माननीय योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार सबके साथ सबके विकास को लेकर कार्य कर रही है, और एक दलित महिला जो कि साध्वी है, वाल्मीकि समाज से, उत्तर प्रदेश में मात्र एक अकेली नेता हूँ, मात्र उत्तर प्रदेश में एक अकेली साध्वी हूँ वाल्मीकि समाज की। मैंने बहुत समर्पण किया है, तन मन से रात दिन 24 घंटे पार्टी के लिए समर्पित रहती हूँ, और यहाँ से मैं टिकट की दावेदार भी थी, लास्ट समय में मेरा टिकट कट गया, कोई बात नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही हूँ, और आज मैं मंच पे बैठने के लिए भी नहीं आई, मैं चुनाव लड़ने के लिए भी आई हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि वे यूपी की अकेली वाल्मीकि मंत्री हैं, दलित होने की वजह से उन्हें मंच पर नहीं बुलाया गया।